नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स को देख रहे हैं। तो कक्षा छठवीं और कक्षा सातवीं की हम लोग जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी बुक्स को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हमें शुरू करनी है कक्षा आठवीं की। तो कक्षा आठवीं में हमें चार बुक्स पढ़ना है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, हमारा अतीत 3, संसाधन और विकास और विज्ञान। तो आज हम लोग बात करेंगे इसमें सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 है ये। ठीक है, ये कक्षा 8वीं के लिए। इससे पहले हम लोग कक्षा 6वीं की और कक्षा 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6वीं और कक्षा 7वीं की हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 है। ठीक है, कक्षा 8वीं की जब आप खरीदोगे या डाउनलोड करोगे तो देखना कि कवर पेज पर इस तरह लिखा हुआ, कक्षा 6वीं के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, ये कक्षा 6वीं के लिए, इसे हम लोग देख चुके हैं। फिर दूसरी होगी कक्षा 7वीं के लिए, इस तरह उसका कवर पेज रहेगा। ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, ये कक्षा 7वीं के लिए। वो जो कक्षा 8वीं की हम अभी देखने वाले हैं, ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, ये कक्षा 8वीं के लिए है। और याद रखिए इस तरह इसके कवर पेज होंगे। और वैसे भी आपकी टेलीग्राम चैनल पर सभी बुक्स डाल दी गई हैं। ठीक है, जो भी हम लोग देख रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बुक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, विषय सूची के बारे में तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहली इकाई है आपकी भारतीय संविधान और धर्म निरपेक्षता। इसमें पहला अध्याय हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान, दूसरा अध्याय होगा धर्म निरपेक्षता की समझ। याद रखिए अध्याय वाई अध्याय हम लोग बात करेंगे। फिर आती है आपकी इकाई 2, इसमें संसद तथा कानूनों का निर्माण। तो हम लोग बात करेंगे अध्याय 3 में हमें संसद क्यों चाहिए। अध्याय 4 में हम लोग देखेंगे कानूनों की समझ क्या है। अध्याय 3 न्यायपालिका, इसमें हम लोग जानेंगे कि न्यायपालिका के बारे में। वो कक्षा जो अध्याय 7 है छठवां अध्याय 6 में हम लोग हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को देखेंगे। फिर आपकी इकाई 4, इसमें सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें। तो कक्षा 8वीं का 7वां अध्याय क्या होगा, हाशियाकरण की समझ। 8वें अध्याय में होगा हाशियाकरण से निपटना, किस प्रकार निपटेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर होगा आपकी इकाई 5, आर्थिक क्षेत्र में रह सरकार की भूमिका। तो इसमें अध्याय 9 में हम लोग बात करेंगे जन सुविधाएं, और फिर बात करेंगे अध्याय 10 के तो कानून और सामाजिक न्याय। तो इसमें आपके 10 अध्याय हैं, तो हम लोग अध्याय देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 1 के बारे में, भारतीय संविधान।